इतनी रात गए कि इस बात का शोक मना रही हो यहाँ बैठकर। उसका जिसकी वजह से मेरी जिंदगी हमेशा के लिए स्याह हो गई है। वो कभी नहीं मिल सकता अब तुम्हें। जो मिल गया है वो भी मेरा नहीं है। शायद वफा करती तो मिल जाता। वफा का मतलब भी जानते हैं आप? ओह प्लीज, मैं तुम्हारा लेक्चर सुनने नहीं आया इतनी रात को। खाना लगा दूं? मैंने एक बात तुम्हें सुबह भी समझाई थी कि मैं तुम्हारे हाथ से कोई भी चीज नहीं खाना चाहता। जानती हूँ, लेकिन एक छत के नीचे रहने के लिए हमें एक दूसरे की हर बात को बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसीलिए मैं तुम्हें कराची भिजवा रहा हूँ। जाओ, जाके अपनी अम्मी के सीने पे अपना बोझ थोड़ा सा हल्का कर लो। एक चुम का दुख माँ के सीने से लगकर कम नहीं होता, बल्कि माँ तो उनके दुख को सीने में दबाकर और बोझल कर देती हैं। स्टॉप इट प्लीज। कल शाम की मैं तुम्हारी सीट करवा रहा हूँ, सुबह पैकिंग कर लेना। अभी शादी में बहुत दिन है, मैं अभी नहीं जाना चाहती। कहीं ये खौफ तो नहीं कि तुम्हारे पीछे तुम्हारी जगह किसी और को ले आऊंगा। ऐसी कोई बात नहीं है वकार। अभी मैं शायद ज़हनी तौर पे तैयार नहीं हूँ। आप 2 दिन बाद सीट करवा दीजिएगा मेरी। ठीक है, जैसे तुम्हारी पसंद। एक पत्थर को मैं मोम कैसे करूं, शक में डूबे हुए दिल में कैसे जीऊं, सच की सच्चाई में लफ्ज कैसे। नहीं अली भाई, अब हम दोनों लड़ाई नहीं करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर इतना परेशान क्यों? अली भाई एक बात बताओ, तुमने कभी किसी को कत्ल किया है? खान, ये कैसा सवाल है? हमको अपने साहब का कत्ल करना है, उसको जान से मार देगा हम। किसी फजूल बातें कर रहे हो, क्या हुआ? वो हमारा बेगम साहब पे बहुत जुल्म करता है, पता है? रात को उसने उसको शटोर में बंद कर दिया था, बहुत मार रहा था। वो किसी को कुछ बताती क्यों नहीं है? यही तो मसला है हमारा बेगम साहब का, वो किसी को कुछ नहीं बताता है, तभी वो उसको इतना मारता है, इतना जुल्म करता है उसके ऊपर। उनका जाती मामला है, बुरी बात होती है। मतलब पता है अली भाई, जब बेगम साहब का आंखों में आंसू आता है ना, हमारा दिल बहुत दुखता है, लेकिन उस जालिम को ज़रा सा भी रहम नहीं आता। पढ़ाई पे ध्यान दो। नहीं पढ़ेगा हम आज, नहीं पढ़ना हमको। ठीक है, हम जा रहे हैं। खुदा हाफिज।